इट समथिंग अ मेंशन इन न्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर देखिए मैं मैं सीधे यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ से लेकर के मैं यहाँ पे मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ इससे काफ़ी ही बेनिफिट मिलता है मैं डिस्कस इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहा हूँ इसी से मिलता जुलता ठीक है एक वर्ड और आता है वो भी रिलेवेंट है और वो भी जो है कि अभी 10 मुझे लगता है दिसंबर के आसपास मतलब एक हफ्ते पहले 10 दिन कुछ दिन पहले न्यूज में रहा तो इसलिए मैं सोचता हूं कि नहीं ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन करंट में रहे हैं तो पूछे अभी हो सकता है कि दो हजार का है ठीक है दो का क्वेश्चन पेपर है हो सकता है कि दो का जब वो पाँच साल हो जा रहा तो हो सकता है कि इस टॉपिक को लेकर के पूछ दें अभी हुआ क्या है कि यहां पे देखिए जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं ठीक है वो अभी गल्फ कंट्री में गए थे गए थे और वहां पे उन्होंने जो है कि गल्फ कोपरेशन काउंसिल से जो है कि अपनी मीटिंग की तो उसपे जो गल्फ कंट्री के लोग थे स्पेशली सऊदी अरब की जो क्राउंस थे उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं चाइना या फिर बीजिंग बीजिंग जो है कि चाइना की कैपिटल है उसकी जो एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी ऑन द ताइवान पे लेकर के इज दट क्लियर मतलब ये है चाइना और ताइवान के बीच में जो टसल है ये काफी हिस्टोरिकल टसल है आइडियोलॉजिकल को लेकर के आज से नहीं आज से सत्तर अस्सी साल होने जा रहा है वहां से लेकर के रहा है पहले क्या होता था तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ पहले चाइना जो मेन कॉन्टिनेंट दिखता है ना वो रिप्रेजेंट नहीं करता था पहले ताइवान करता था मैं भी ताइवान का लोकेशन मार्क करूंगा तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो वन चाइना वन पॉलिसी वन नेशन पॉलिसी और यहाँ पे जो है कि टू स्टेट सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं वन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है वन नेशन पॉलिसी वन नेशन पॉलिसी हो सकती है तो ये अगर ऐसा कुछ करके पूछता तो वो ये चाइना और जो कि ताइवान के बीच में होगी और ये जो है टू स्टेट रिजोल्यूशन वो इजराइल और लेबनान से लेकर के रिलेटेड है हम अभी डिस्कस करेंगे लेबनान और इजराइल के बीच बीच में भी काफ़ी टसल है कुछ प्लेसेस को लेकर के तो ये हमें वर्ड याद होनी चाहिए टू स्टेट रोल्यूशन किसके कॉन्टेक्स्ट में इजराइल लेबनान के वन नेशन पॉलिसी जो कि चाइना और ताइवान के बीच में अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट न्यूज में देख लिया किस लिए रहा अब हम आते हैं इनके मैपिंग इनको सर, सबसे पहले देखिए टू स्टेट या फिर नेशन सोल्यूशन और बड़ा करूंगा यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक सेकेंड हाँ अब देखिए हमने ये किया है यहाँ पे ठीक है तो ये आपका लेबनान पड़ जाता है हम इसके थिकनेस को और थोड़ा सा कम कर लेते तो बेटर होगा ओके ओके अब ये देखिए लेबनान है अब लेबनान का हम थोड़ा सा ना क्राइटेरिया क्रिएट कर देते हैं लेबनान देखिए ये इस तरह से है ये जो लाल वाला एरिया तो ये लेबनान है यहाँ पे लिखा हुआ है है बे आ, बे रूट जो इसकी कैपिटल अब इजराइल का देख लीजिए इजराइल का क्या है ये इजराइल का भी कुछ ये ऐसे मिलता जुलता है ठीक है ये ऐसे मिलता जुलता है ठीक है अब क्या है कि लेबनान और इजराइल के बीच में मतलब रिलीजियस मतलब मतलब जो रिलीजियस बेसिस होता है उस बेस पे लेकर के जो कि टसल हमेशा रहती है तो ये हमने इजराइल और लेबनान का टू नेशन सोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया अभी अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं ये देखिए जॉर्डन है जॉर्डन है अब देखिए जो आ, ये मेडिटेरियन से आपका इसे देखो जो लगता है ना कंट्री वाटर बॉडी मेडिटेरियन वो सीरिया का लगता है लेबनान का लगता है इजराइल का लगता है ठीक है और यहाँ पे टर्की का लग जाता है ठीक है हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं इसमें कि यूपीसी ने एक बार और भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से ऐसी कंट्री है क्योंकि हम डिस्कस कर लेते हैं आगे हो सकता है फिर रिपीट करें कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी ये मेडिटेरियन सी है आपके ये जो कि डायरेक्ट जो है कि आपका मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होती है तो इसमें देखिए चार कंट्री यहाँ से लगती हैं जो हमारी वेस्ट एशिया ये हमारे वेस्ट एशिया पड़ जाता है ठीक है तो इसमें आपका टर्की आ जाता है फिर सीरिया आ जाता है लेबनान आ जाता है और इजराइल आता है तो इसमें ऐसे दिया हुआ था उसमें जॉर्डन भी दिया हुआ था ठीक है लेकिन जॉर्डन जो है कि इसका कनेक्ट नहीं होता है वाटर बॉडी से ये कुछ ये इस तरह से कनेक्ट है ठीक है मेडिटेरियन से नहीं लिखता बट ये वाटर बॉडी से ये गल्फ एक आई आए है यहाँ से रेड सी में मिल जाता है ठीक है तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अब हम आते हैं अपने जो कि चाइना की जो कि पॉलिसी जो ताइवान है उसका हम लोकेशन देख लेते हैं वो किस तरह लोकेटेड है अब यहाँ पे देखिए हम अब हाँ अब चाइना के लोकेशन को देखेंगे अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये यह इंडिया है इंडिया आपका देख रहे हो यहाँ पे है ही ऐसे ठीक है ज़्यादा इमोशनली मत होना मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहा हूँ मैप तो लेकिन जो इंडिया है हमारा वो तो रहेगा ही ना किसी के हिम्मत नहीं की वो उसको छीन ले तो ये चाइना पड़ जाता है और ये ताइवान यहाँ पे लोग जो आइलैंड की तरफ पड़ जाता है ये आउटर बॉडी में है तो ये होता है और दूसरी देखिए एक हवाई हवाईयन आईलैंड है यहाँ पड़ता है ये भी जो कि चाइना का ही पार्ट है क्योंकि एक बार मुझे याद है कि बहुत पहले कभी एक वनडे एग्जाम के मतलब कोई एक छोटा मोटा एग्जाम था उसमें पूछा पूछा हुआ था हवाईयन आइलैंड जो है कि कहाँ पे है इस चीज़ को लेकर के पूछा हुआ था तो ये बेसिक चीज हमने डिस्कस किया कि चाइना और वन नेशन थ्योरी टू स्टेट सोल्यूशन किससे रिलेटेड है वन चाइना पॉलिसी अगर आपसे ये भी पूछता है कि वन चाइना पॉलिसी क्या है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ताइवान के इशू के लेकर के या फिर वन नेशन पॉलिसी पूछ सकता है तो वो चाइना से ही ताइवान से रिलेटेड है इज दैट क्लियर सो so, इस वीडियो में फिर एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन ये है, देखे हुआ था कि टर्म्स टू स्टेट सोल्यूशन समटाइम मैंशन इन द न्यूज और किसके कॉन्टेक्सट में था ये इजराइल के कॉन्टेक्सट में था ना कि इराक ना इराक ना चाइना क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा ये दो तो इलिमिनेट कर लिए गए थे लेकिन इजराइल क्योंकि इस पे भी टू मतलब टू नेशन या फिर टू स्टेट थ्योरी का बात चलता है क्योंकि ताइवान अपना मानता है चाइना ताइवान अपने आप को चाइना से अलग मांगता है मानता है लेकिन चाइना का था नहीं ताइवान भी हमारा ही पार्ट है ठीक है तो इस वजह से कंफ्यूजन तो हमारे जो टू नेशन टू स्टेट स्टेट थ्योरी सोल्यूशन है वो जो है कि इजराइल से है वन वन चाइना नेशन थ्योरी वन चाइना पॉलिसी चाइना और ताइवान से रिलेटेड है राइट सो so, इस वीडियो में ही और थैंक यू थैंक यू वेरी मच डिस्कशन